नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में अगर शिव जी को खुश करना है तो चावल का ये सिर्फ छोटा सा उपाय कर लीजिए। इसे अगर आप लोग करते हैं तो धन सुख समृद्धि के साथ साथ आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन आप खुद देखेंगे, यानी अच्छी चीज़ों का परिवर्तन। क्योंकि सावन का महीना कहा ही गया है कि ये भोलेनाथ को खुश करने का है, और भोलेनाथ अगर खुश हो जाते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण जरूर करते हैं। वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रावण का पूरा माह ही जो होता है ये भोलेनाथ को खुश करने का होता है। इस समय भोलेनाथ अपने पूरे भक्तों पर खुश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उपाय हैं। जैसे कि अगर कोई भी भक्त पूरे सावन महीने में अगर शिव जी की भक्ति करता है और उपवास करता है यानी व्रत रखता है, तो भोलेनाथ उसकी कोई भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखते हैं बल्कि संपूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस भी व्यक्ति को भक्ति से अगर प्रसन्न करना है भोलेनाथ को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर अपने जीवन में अपनाइए। यहाँ पर मैं बात करूँगी कि हमारे घर में अक्सर परेशानियाँ रहती हैं और ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं धन को लेकर। कहीं पर धन अटक गया है, कहीं पर ऋण है, और कहीं पर धन आता तो है पर टिकता नहीं, कहीं पर बेरोजगारी भी है। तो ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार कर सकता है। तो वो पहला उपाय क्या है दोस्तों? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवलिंग की पूजा करने के बाद एक मुट्ठी चावल आप लोगों को अपने हाथ में रखनी है, रखकर भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, और करने के बाद, वो आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, करने के बाद उस एक मुट्ठी चावल को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आप लोगों को कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, इस उपाय से शिव जी आपकी हर परेशानी को हर लेते हैं और साथ में आर्थिक उन्नति भी होती है। कार्य में बाधा आ रही थी तो वो भी समाप्त होती है। तो ये जो चावल का उपाय है ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसे करके देखिए। दोस्तों, सावन के हर सोमवार को कम से कम किसी न किसी गरीब की मदद जरूर कीजिए। आप उसे कपड़े भी दान कर सकते हैं, आप उसे खाने की चीजें भी दान कर सकते हैं, या फिर आप उसे कुछ फल मिठाई भी दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा आप पर जरूर पड़ती है। तो इसलिए सावन के हर सोमवार को कम से कम गरीबों की मदद जरूर कीजिए। दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार को, यानी हर सोमवार को अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक साबित होता है। यानी सोमवार के शाम को आप किसी भी शिव मंदिर में जाए, वहाँ शिवलिंग के पास एक घी का दिया जरूर जलाइए। साथ में आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं के लिए प्रार्थना भी कीजिए, और अगर धन नहीं रुकता है, धन का आगमन नहीं होता है, तो उससे जुड़ी सारी समस्याओं के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव अति शीघ्र और सरलतम उपाय से अति शीघ्र वो खुश होते हैं। अगर शिव जी को आपने खुश कर लिया तो आपके जीवन में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा, आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय बहुत ही कारगर होते हैं, इसे करके देखिए, और साथ में अपने अच्छे कर्म को करना मत भूलिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म इसमें एडिशनल पॉइंट्स लगते हैं। आपके कर्म आपके फल के साथ और दुगना हो जाता है, यानी भगवान के आशीर्वाद के साथ आपके कर्मों के फल भी जुड़ जाते हैं, तब जाकर चमत्कार जरूर होता है। इसीलिए सोच को बहुत पॉजिटिव रखिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, और साथ में हमेशा भगवान के शरण में रहिए। इससे अच्छा और सरल उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।